नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आप जानते हैं पूरी दुनिया में इस वक्त यूक्रेन और रशिया की चर्चा हो रही है। यूक्रेन और रशिया के बीच में भारी युद्ध इस वक्त चल रहा है। ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, इस विवाद की जड़ क्या है, आइए आपको बताते हैं पूरे विवाद की जड़। पूरे विवाद की जड़ है नाटो। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस नहीं चाहता कि ऐसा हो। तनाव जो है वो यहीं से शुरू हुआ और अंजाम युद्ध तक आ पहुंचा। यह समझना ज़रूरी है कि यूक्रेन और रूस विवाद में नाटो की एंट्री कहां से हुई और यूक्रेन के लिए इतना पागल क्यों हो गया रूस। 10 बिंदुओं में मैं आपको पूरा मामला समझाने वाली हूं। बता दें, यूक्रेन की सीमा पश्चिमी में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्वीवत सोवियत संघ का हिस्सा था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में शुरू हुआ, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। आपको बता दें, यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित शासनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और 2014 के बाद रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ। आपको बता दें, 2014 के बाद रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने व शांति कायम कराने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। अगर हम बात करें, फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति व संघर्ष विराम का समझौता कराया। हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी व दोस्ती गाँटना शुरू किया। यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते हैं। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाया गया था। अगर हम बात करें, यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को नागवार गुजरने लगी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे हैं। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने बताया कि रूस के हमले में 14 बच्चे समेत यूक्रेन के 352 नागरिकों की मौत हो चुकी है और 116 बच्चे समेत 1684 लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय ने रविवार को यह नहीं बताया कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कितने जवान हताहत हुए हैं। रूस ने दावा किया कि उसके बल केवल यूक्रेन के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं और यूक्रेन के आम नागरिकों को कोई खतरा नहीं है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को केवल यह स्वीकार किया कि रूसी सैनिक हताहत हुए, लेकिन उसने उनकी संख्या नहीं बताई। तो बता दें, जहां एक तरफ अमेरिका यूक्रेन के साथ देने की बात करता है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भारत से भी उम्मीद रखता है कि वो यूक्रेन का साथ दे। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति से बात करें, रूस के राष्ट्रपति से। और अमेरिका भी कहीं ना कहीं यही चाहता है कि जो रूस है वो युद्ध को विराम दे ले। आपको बता दें, अब भारत की पूछ जो है वो सुपर पावर देश भी करे, यानी कि अमेरिका हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, सभी के सभी देश जो है कि सभी के सभी देश है, वो बाकी राय जाना जरूरी समझते हैं। तरफ यूक्रेन में फंसे हमारे भारतीयों को लेकर भी जो एक ऑपरेशन बनाया गया, गंगा ऑपरेशन, उसमें अभी तक लगभग 5 से 6 फ्लाइट जो है वो यूक्रेन से हमारे देश के लोगों को दिल्ली तक ला चुकी है। और जो भारत सरकार है वो पूरी कोशिश कर रही है कि यूक्रेन से अपने भारतीय लोगों को, भारतीय छात्रों को सावधानी पूर्वक लाया जाए। तो बता दें, नाटो ने रूस के अटैक को गैर जरूरी बताया। उनके मुताबिक इस युद्ध की तैयारी काफी समय से चल रही थी। नाटो ने रूस को जल्द से जल्द अपने सैनिक यूक्रेन से निकालने का निर्देश दिया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक अभी तक यूक्रेन में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इसमें बच्चों और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अब देखना यह है कि आगे ये युद्ध जो है, अगर इस पर विराम नहीं लगाया गया तो ये कितनी तबाही मचाता है। अगर मैं बात करूं यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच की, तो इसमें फ्रांस की क्या जो है राय। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे
बातचीत हुई। मैक्रो से बात के बाद पुतिन ने बयान दिया है कि इसका समाधान संभव है जब रूस की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, उसकी संप्रभुता का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। बने रहे हमारे साथ संसार क्रांति न्यूज़।